अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ एहसन सत्तार एंड आई एम फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट्स। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो बेसिकली एक इशू है और वो है ट्रस्ट इशू। पहली बात तो ये कि ये इशू कैसे जनरेट हुआ, दूसरी बात ये कि हमने इस इशू को अब रिजॉल्व कैसे करना है, ये हमारा एक मेन इसमें चीज़ है। और वो इस तरह से है कि देखें, जैसे कुछ अनऑथराइज डीलर्स की तरफ से या कुछ इंडिविजुअल्स ने जब ये काम करना स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने बिहाफ पे जो है मार्केट को ख़राब करना शुरू किया। लाइक ओवरसीज़ क्लाइंट जितने थे, अब जैसे हर बंदा बाहर रह रहा है उसकी ये सोच होती है कि मैं अपने मुल्क में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करूं, मेरा यहाँ पे अपना एक घर हो, ये हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो जब ओवरसीज़ क्लाइंट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा तो कुछ ऐसे अनऑथराइज थे जिन्होंने उनका ये जो ट्रस्ट था बजाय के डिवेलप करने के, इसको उन्होंने ख़राब किया। किस तरह से किया? अब लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी सिक्योर है या नहीं, वो जस्ट बेसिकली एक चीज़ मांगते हैं ट्रस्ट, और जो बजाय हमारा काम बनाने के हमने किया ख़राब। तो बेसिकली आप लोगों के लिए भी इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं। जब भी हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स के लिए वो ये हैं कि जब आप करें इन्वेस्टमेंट, अब सबसे पहले से ये चीज़ चेक कीजिएगा कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्या आप एक अनऑथराइज्ड डीलर के साथ कर रहे हैं या आप किसी ऐसी कंपनी के साथ कर रहे हैं जो एक ऑथराइज्ड पार्टनर है किसी सोसाइटी की। लाइक जैसे देखें काजी इन्वेस्टमेंट्स है, अब काजी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी कंपनी है जो यूके रजिस्टर्ड है, जिसका ऑफिस ना सिर्फ यूके बल्कि सऊदीया और दुबई में भी हैं और पाकिस्तान में है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है, और जिस वजह से आज तक इस ट्रस्ट के बिना पे हम सर्वाइव कर रहे हैं और हम मार्केट में चल रहे हैं। बेसिकली काम है हमारा ट्रस्ट बनाना, इन्वेस्टमेंट आपका काम है करना, और अगर हम आपसे ट्रस्ट बनाएंगे तो रिलेशनशिप बनेगा एक। और याद रखिएगा, ये जो प्रॉपर्टी का काम है ये हमेशा रिलेशनशिप पे चलता है। तो हमारा मेन मकसद है वो है ट्रस्ट बनाना। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें काजी इन्वेस्टमेंट्स को याद रखिए, इसके बैकग्राउंड को चेक कीजिए, आपको अंदाज़ा होगा कि ये कैसी कंपनी है, और आपको फिर उसके बाद काजी इन्वेस्टमेंट्स के साथ इन्वेस्टमेंट करने में बेहतर लगेगा। तो याद रखिए, काजी इन्वेस्टमेंट्स का काम है ट्रस्ट बनाना। थैंक यू सो मच।